सो दैट ईच ऑफ दी फॉलोइंग नंबर नंबर्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर. ओके स्टूडेंट, सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर इन ईच केस फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर हुज स्क्वायर इज फाइंड द नंबर. ओके स्टूडेंट्स, ओके फर्स्ट दिस नंबर, सेकेंड दिस नंबर. ओके स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट री सॉल्विंग 1, 2, 2, 5 इंटू प्राइम फैक्टर्स. ओके स्टूडेंट्स, वी गेट 2, 1, 2, 2, 5 इक्वल टू. स्टूडेंट्स, इसका प्राइम फैक्टर आप ले लीजिए जो कि आप बहुत बचपन में पहले ही पढ़े होंगे. 5 से 5 2 5 4 5 5 जा. ओके, फिर 5 से लग जाएगा, 5 4 5 9 जा. 7 से 7 7 जा. ओके, 7 1 जा. यानी इसका जो वी गेट रिसॉल्विंग 1225 इंटू प्राइम फैक्टर्स, वी गेट 5 × 5 × 7 × 7. ओके स्टूडेंट्स, ओके थस 1225 कैन बी एक्सप्रेस्ड इनटू पेयर्स. किसको एक्सप्रेस करता है? पेयर्स को ऑफ इक्वल फैक्टर्स. ओके स्टूडेंट्स, देयरफॉर 1225 इज ए परफेक्ट स्क्वायर. ओके स्टूडेंट्स, आल्सो 1225 इक्वल टू, स्टूडेंट्स इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 5 × 7 × 5 × 7 लिख सकते हैं. 5 7 = 35 5 7 = 35. स्टूडेंट्स, क्या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं? ओके, सो 1225 इज द स्क्वायर ऑफ 35. ओके स्टूडेंट्स, सेम ऐसे ही आपको ये जो क्वेश्चंस है, यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर, सेम ऐसे ही आपको ये जो 8 सवाल है, ये 8 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है. बहुत ही इजी है, आप गौर से इस वीडियो को देखेंगे, बहुत ही इजी तरीक़ा से आपको सॉल्व हो जाएगा. स्टूडेंट्स, थैंक यू.